हमारे पास जो प्रोग्राम नंबर ट्रिमर पर कंट्रोलर है ये इसमें आप पूरा जैसे 32 डेज 34 डेज का साइकिल होता है अलग अलग, आप इसको पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। फर्स्ट डे में कितना आवर लाइट रहना चाहिए, कितना आवर डार्क रहना चाहिए, लेवल में लाइट रहना चाहिए, यील्ड ज्यादा होगा उसको इम्यून सिस्टम बेटर होगा। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोल्ट्री में एलईडी लाइटिंग के बारे में। ओवरड्राइव कंपनी के श्री एस रमेश से, जो पोल्ट्री डिवीजन देखते हैं कंपनी की, आइए सर से बात करते हैं कि एलईडी लाइटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं पोल्ट्री में। धन्यवाद। ओवरड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये नोएडा बेस्ड कंपनी, इट्स इन द फील्ड फॉर लास्ट 20 ईयर, एंड हम महीने का 50 लाख पीसेस एलईडी प्रोडक्ट बनाते हैं एंड मेजरली ओईएम करते हैं। पोल्ट्री लाइटिंग के बारे में बात करें तो हमारा लास्ट 17 ईयर्स से US मार्केट में है पोल्ट्री, स्पेशली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बहुत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरड्राइव इज बाई फार द नंबर वन ब्रांड है US का पोल्ट्री मार्केट में एलईडी लाइटिंग सेगमेंट में। पोल्ट्री में ये हमारा जो एलईडी प्रोडक्ट है लाइटिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम है। जैसे पोल्ट्री हाउसेस में दो टाइप का हाउस होते हैं, एक ओपन हाउस होते हैं, एक क्लोज्ड हाउस होते हैं। क्लोज्ड हाउस एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउस होते हैं जिसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल करते हैं थ्रू ऑटोमेटिक कंट्रोलर। वहाँ लाइट का, क्योंकि वहाँ सूरज का रोशनी तो है नहीं, वहाँ कम्प्लीटली आर्टिफिशियल लाइटिंग है। बर्ड्स को ये प्रॉपर लाइटिंग मैनेजमेंट देना पड़ेगा, मतलब जितना डार्क पीरियड है, जितना देर लाइट होना है, उसका नंबर ऑफ डेज के हिसाब से अलग अलग डिमिंग लेवल का जरूरत है। ये सारा नॉर्मल लाइटिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो प्रोग्राम नंबर ट्रिमर पर कंट्रोलर है ये इसमें आप पूरा जैसे 32 डेज 34 डेज का साइकिल होता है अलग अलग, आप इसको पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। फर्स्ट डे में कितना आवर लाइट रहना चाहिए, कितना आवर डार्क रहना चाहिए, कितना लेवल में लाइट रहना चाहिए, यील्ड ज्यादा होगा उसको इम्यून सिस्टम बेटर होगा। इधर अलग अलग फॉर्म में अलग अलग सिस्टम लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ फॉर्म में तो 34-35 डेज का लाइट को बंद ही नहीं करते हैं। लाइट को जब बंद ही नहीं करते हैं तो बर्ड्स का तो मालूम ही नहीं पड़ता है कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है। अवेयरनेस की कमी है। जैसे नॉर्मल लाइट्स डालते हैं उसमें क्या है, आप स्विच ऑन करते हैं तो एकदम जलता है। इवन हम भी जब सो रहे हैं, जब एकदम लाइट है तो हमें भी झटका लगता है, बट वो लाइट ऑन होने से हमारा साफ स्टार्ट है, उसकी वजह से आपको मॉर्टेलिटी में 2% से भी नीचे रह जाती है। हाँ, मतलब एक इंडिकेटिव है, रिसर्च बेस्ड है एंड एक्चुअल रिजल्ट का बहुत सारा कंडीशन होती है मार्केट में, फार्म्स में एक्चुअल रिजल्ट आने में वो डेफिनेटली इट विल हेल्प एंड बायोलॉजिकल यील्ड इंप्रूव होता है, फीड कंजम्पशन रिड्यूस होता है, क्योंकि वो नॉर्मली अच्छा रिदम फॉलो करते हैं चिकन, तो वो कुछ भी रहता है तो कुछ रहता है तो ठीक से खाता है तो ठीक से डाइजेस्ट होता है एंड वेट गेन होता है। ये सर ऑन एन एवरेज जो मार्केट एक्सपीरियंस है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है 2 साइकिल में रिकवर हो जाता है। वेरी वेल डिजाइंड, पेटेंटेड है ये जो आइटम है, दिस इज इंटरनेशनल पेटेंट है ओवरड्राइव का, एंड ओवरड्राइव का मोर देन 30 पेटेंट्स है ऑलरेडी। एंड दूसरा मेन मकसद क्या है, पोल्ट्री फार्म में लोग नॉर्मल बल्ब यूज करते हैं, वो घरों के लिए डिजाइन किया हुआ बल्ब है। नॉर्मली जो घरों में जो आजकल इंडिया में यूज करते हैं वो 6500 डिग्री केल्विन का है। जो स्पेसिफिक कलर है जिसको चिकन प्रेफर करता है, पोल्ट्री के लिए डिजाइन किया हुआ कलर है, वो है 5100 डिग्री केल्विन। हमारा लैम्प का लाइट 5100 डिग्री केल्विन में बेस्ड है एंड इट इज गुड फॉर द चिकन इन द एनवायरनमेंट। एंड सेकंड क्या है, नॉर्मल जो ब्रॉयलर हाउसेस होते हैं वहाँ अमोनिया गैस बहुत रिलीज होता है, जो नॉर्मल बल्ब है वो उसमें अमोनिया खराब करता है, कोरोसिव है अमोनिया, वो खराब करता है बल्ब, एक तो जल्दी भी फेल होंगे, दूसरा रोशनी बहुत कम हो जाएगी, लाइट जलती भी रहेगी ठीक से रोशनी आपको मिलेगी नहीं। हमारा इसमें स्पेशल कोटिंग है, क्योंकि हमें पोल्ट्री में क्या होता है हमें पता है, उस हिसाब से स्पेशल कोटिंग है। आपने रिसर्च की हुई है, एडजस्ट किए हुए हैं, उसी के वजह से लाइफ भी बेटर होता है, आपको रोशनी भी बेटर होता है। हमारा डिजाइन ही ऐसे होता है, हमारा ल्यूमन लेवल बेटर होता है तो इवन 3-4 साल के बाद भी आप डिम लेवल में उतना ही रोशनी, उतना ही 40 लक्स में मेंटेन कर सकते हैं, जो नॉर्मल जो लाइटिंग सिस्टम है वो पॉसिबल नहीं है। लाइफ नॉर्मली इन चीजों को 3-4 साल 5 साल तक आराम से चल जाना चाहिए। बहुत सारा फार्म विजिट कर चुका हूँ, मेरे सामने ऐसे लाइटिंग का कोई 7 वाट लेकर लगा दिया, 9 वाट लेकर लगा दिया, ऐसे ही चलता है, क्योंकि लोगों को नॉलेज भी नहीं है इसमें, तो सोचने का नहीं, डेफिनेटली इट विल हेल्प। ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, 15-20 साल से US में चल रहा है, कम से कम हमारा 30 लाख लैंप के ऊपर चल ही रहा है।
श्री एस रमेशी की बातें पोल्ट्री फार्मिंग वाले भाइयों को बहुत हेल्प करेगी और उनके बिजनेस में बढ़ोतरी करेगी, यही हम आशा करते हैं। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।